तुम मेरे को बांध दो, मैं तैयार हो गया और मैं जाता हूँ, दोबारा तैयार हो और तुम लोग दोबारा तैयार हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, हम बिल्कुल ठीक है। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो फिलहाल तो अभी हम लोग आ गए हमारे सामने वाले घर में, बिकॉज क्या ना कि हमारे घर में तो बहुत ज्यादा नॉइज हो रही है, फैमिली बढ़ गई ना, तो फैमिली बढ़ने से नॉइज होती है। अभी तो और फैमिली बढ़ने वाली है, आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बहुत सारे फैमिली मेंबर आने वाले हैं। पहले तो आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी गाड़ी यहाँ पार्क हो चुकी है और ये थोड़ी साइकिल को संभालना है कि खराब हो गया है। यहाँ पे हमने खेती की थी गाइस, मगर कुछ भी नहीं उगा, सिर्फ लहसुन उगा। इसके फ्रूट्स पके हुए हैं लेकिन इसको तोड़ नहीं सकते, बिकॉज इसमें बड़े बड़े कांटे हैं। ये लोग इधर आए ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, साइकिल लेके निकल लिए। साइकिल में हवा कम है, देख लेना। आज का मौसम है बहुत प्यारा, सुबह सुबह थोड़ी सी हल्की बूंदाबांदी हो गई है, लेकिन लगता उससे ज्यादा नहीं होगा। मुझे अकेला छोड़ के दोनों भाग के साइकिल लेके, जबकि साइकिल खराब है, हवा कम है, चेन टाइट नहीं है उसका, फिर भी देखो टायर पूरा पिचका हुआ, फट जाएगा वो मोटे तेरे वजन से। क्या कह रहा गाइज? इसके लिए आज चप्पल लेके आना और इसके लिए कुछ भी लेके नहीं आना गाइज। इसमें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है, दो दिन चलता वापस खराब हो जाता है। साइकिल मोड़ और पढ़ने जा, मैं तो सिर्फ तेरे को इसलिए लेके आया था ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। एक काम कर, साइकिल मुझे दे, तू जा पैदल जा। गाइस ये ना पढ़ नहीं रहा लिटरली, जब से मेहमान लोग आ जाते हैं ना, इसके तो पढ़ने का सिस्टम गड़बड़ा जाता है बिल्कुल भी। हाँ मालूम है आज त्योहार है, इसका मतलब ये नहीं कि तू पूरी दिन छुट्टी मनाएगा। चल उधर साइकिल पे, नो नहीं उधर मत जा ना, उधर साइकिल खराब है वैसे, उधर मत जा। पीछे बैठना जरूरी है, पीछे बैठना जरूरी है, कितना हवा कम है साइकिल में। वो तो चला गया एक राउंड लगाने के लिए, मैं चलता हूँ ब्रश करने के लिए। ले ये वाले कपड़े ले मम्मी, गंदे और भी जगह गंदे कपड़े मिल जाएंगे। तो फिलहाल तो है ना मम्मी है ना गंदे गंदे कपड़े ढूंढ रही धोने के लिए। इसके आने के बाद गाइस हमारे घर में थोड़ी सी नॉइज बढ़ गई है। अभी तो इसका भी एक अपडेट वर्जन आने वाली है, जो ऑन द वे है, मथुरा पहुंच गई है। थोड़ा रूम का सफाई करवा दे तो अच्छा भी लगे। और यहाँ पे आके पड़ गई है, देख कैसा तकिया यूज करता हूँ मैं यार। कोई देखेगा तो कहेगा ब्लॉगर के घर में ऐसा तकिया। इस 15 अगस्त हर घर तिरंगा, देखो हमारे घर पे भी तिरंगा लग गया और इधर मोहल्ले में भी बहुत सारे घरों में लग गया। देखो वहाँ दिख रहा होगा आपको छोटा छोटा, अभी तो लगना स्टार्ट ही हो गया है। उधर लग गया, उधर भी लग गया, लेकिन देखो इसमें हाँ दिख गया, देखो एक उधर भी लगा हुआ। हमारा तिरंगा तो लगाते ही लहराने लग गया, अभी देखो उसको भी बोलूंगा ओए सतेंद्र तू भी लगाना है जाके, एक तो वो लगा लेगा। ये देखो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, रात भर फ्रिज चला तो मटर है ना फ्रिज में चिपक गया है, इसको उखाड़ तो दिया है। तो फिलहाल तो बनेगी पनीर की सब्जी, वो भी अनिकेत चंद्रवंशी द्वारा। सो गाइस फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्रिकेट वाला गेम, बिकॉज क्या ना आज मौसम बहुत प्यारा है। हमारा फ्लेक्स हुआ गया उल्टी साइड में जो उड़ता नहीं है, अब देखो उड़ रहा है। गेंद का जुगाड़ कर लो, क्रिकेट खेलना है आज, बहुत दिन बाद क्रिकेट खेलने का मूड हुआ मेरा। ये रहा गेंद यहीं पड़ा हुआ। चलो बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की कोई दिक्कत नहीं है, नहा लेंगे इस बारिश में। फर्स्ट में सेकंड टू थर्ड वो बल्ला हाथ में आ गया। सो फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्रिकेट। 10:48 हो गया, खाना आ गया। खाने में रोटी, दो तरह की सब्जी, दोनों सब्जी मैंने बनाई है, और मिठाई जो कल लेके आया हूँ। वैसे तो राखी बंधवा के खाने का रिवाज होता है, मगर अभी एक सिस्टर तो रस्ते में, ये दिल्ली से आ रही है, वो पता नहीं कब आएगी, तो भूख लग रही है, पहले खाना खाते हैं। हमारी टुन्नो आ रही है तो उसको लेने के लिए जा रहा हूँ धन्नो से। बड़ा भाई स्कूटी चला गया, कार तो खेल जाती नहीं हमारी कहीं भी, आपको पता ही है जैसा। तो फिलहाल चलते अभी स्टेशन। आ गई गाइस हमारी सेजू, देखो एक्चुअली में थोड़ा सा लेट हो गया था, 2 मिनट पहले ट्रेन आ रखी थी, ये लोग इंतजार करना पड़ा इनको मेरा। मैं तैयार हो गया हूँ, मैं तो चलता हूँ फिलहाल मार्केट जियाजी को लेकर, थोड़ा सा शॉपिंग वोपिंग करके आना, गिफ्ट लेके आना, जब तक फैमिली मेंबर तैयार हो जाएंगे। यहाँ से लेंगे थोड़ा सा चॉकलेट गिफ्ट और भी बाकी कुछ। चॉकलेट देना फायदा ही होता है कि 50 पे 60 रुपए चॉकलेट तो अच्छा लगता है, पैसे क्या 500 तक भी दोगे तो वो भी कम लगता है। ये बड़ी बड़ी चॉकलेट ले ली है, ये सेजू के लिए, स्पेशली सेजू के लिए आए थे, और कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए आए, इतना दूर तो कोल्ड ड्रिंक तो पी जाएंगे कम से कम। जीजा जी ने मेरा चश्मा छीन लिया, मौसम भी देखो काफी प्यारा वाला, और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक का मजा लेते हैं और इसको रखते हैं अंदर, डिग्गी में डालो जीजा जी को, चाबी उसी के अंदर। क्या देखो कोई तैयार हो या ना हो, लेकिन हमारी प्रीटी वाली भांजी तैयार हो गई है। आप किससे तैयार हो बेटा? आप क्यों तैयार हुए हो? पूजा के लिए। ये कपड़ा मम्मी ने ला के दिया बेटा? नहीं, पर चलो घर चलते हैं। चलो चप्पल नहीं पहना का आपने? नहीं। कोई बात नहीं, घर आगे देखो अपना पास में, दौड़ो दौड़ो। तो गाइस देखो है ना, ये तैयारी चल रही है हमारी, और ये दीदी देखो तैयार हो रही है, सब लोग देखो ऐसा तैयार हो रहे हैं। और ये तो इसका तो पूछो ही मत, ये हमारी बड़ी दीदी है, माँ समान है, लेकिन पूछो ही मत इसका तो, पिछले 2 घंटे से यही तैयार हो रही है सिर्फ। अभी सबको ना साइलेंट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत शोर शराबा चल रहा है, और फटाफट अभी राखी बंधन का त्यौहार। तो फिलहाल देखो राखी की तैयारी स्टार्ट हो गई है, तो 2 थाली लगेगी भी, 1 और 2। हमने तो लाइट लगा दिया बड़ी वाली, और पवन देखो वहाँ गया मैनेजिंग के लिए। हाँ मैं ये मेरे में गणेश जी ये नहीं लेके आया, मेरे में गणेश जी थे। अब जितने भी लोग है ना अंदर, उनको बोल दे के फटाफट की बाहर आ जाए, अब टाइम नहीं, अब केक बज गया, 2:10 हो गया। गाइस ये देखो मेरे घर में कितना शोर शराबा हो रहा है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा हो गया। 2:19 हो गया था फिलहाल तो ना गाइस मेरे घर में लिटरली जा रहा हूँ कि गुस्सा, देखो एक तो हेलोजन से गर्मी हो रही है, ऊपर से गुस्सा की हरकतों से। ये लोगों का कहना है कि 5 बजे राखी बांधेंगे, बिकॉज सूर्यग्रहण लगा हुआ, तो ठीक है तुम मेरे को बांधो, जो होना होगा मेरे साथ होगा, तुम मेरे को बांध दो, मैं तैयार हो गया और मैं जाता हूँ दोबारा तैयार हो, और तुम लोग दोबारा तैयार हो। भाई वो रिस्क तो बिल्कुल नहीं लूंगा मैं।
अभी बांध दे, अभी बांध दे। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने ना राखी बंधवा के स्टेटस लगा भी दिया। पवन तैयार हो रखा था लेकिन पवन ने पूरे कपड़े खोल दिए, नीचे से अच्छा फ्रेम नहीं आ रहा था, तो अभी ना यहाँ पे बैठ के अच्छे से राखी बनाएंगे तो अच्छा फ्रेम आएगा। और गाइस मेरा ना थोड़ा दिमाग हैंग हो गया, पूरी फैमिली को देख के दिमाग हैंग हो गया। सब रिश्तेदार में जमा तो होते हैं मगर दिमाग खराब करने के लिए। वो कौन सा फॉर्मूला था, वो था ना एक फैमिली प्लस एंजॉयमेंट, जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली प्लस फेस्टिवल इक्वल टू फुल मजा। एक भाई के पीछे देखो, एक दो तीन चार, चार तो सगी बहन है और ये सेजू हमारी। यहाँ से ना कुर्सी उठा के यहाँ लिया पवन, वहाँ पे क्लियरिटी अच्छी नहीं आ रही, थोड़ा सा आगे लिया बस, दो फीट आ गया। ये अच्छी चीज है, लिफ्ट की मिठाई खाने के लिए मिल जाता है फ्री का, मिठाई खाओ मजे उड़ाओ। लेकिन हाँ ये भी सबको बख्शी देनी पड़ेगी, ये बात है। ये मत ले, हो गया। अब मिठाई खाने को नारियल खाया कभी? रुक जा रुक जा, मैं बाकी तो लाइट नहीं जला रहा। अरे रुक जा दीदी यार, क्यों फ्रेम खराब करने पे लगी हुए? नहीं कुछ ज्यादा ही आज, कुछ ज्यादा ही इसने कसम खा रखी कि निकेत का फ्रेम खराब कर देना आज। अब दूसरे सिस्टर का नंबर आ गया, एक सिस्टर तो बिहार में जो उसकी भी राखी बंद की देखो यहाँ पे। लेकिन हाँ ये उसका पैसा कम से कम बच गया मेरे पास। एक लौता भाई है, इसके एक दो तीन चार। पवन पंडित जी कहाँ जा रहे हो आप? अब देखो सेजू की बारी आ गई है, सेजू राखी बांध रही है। अरे कितनी राखी होगी तेरी भाई, इस हिसाब से जेब खाली जाएगा आज। ये क्या कर रहे हो बेटा, ये झूठा झूठा यहाँ पे रख रहे हो भैया का? चल गिफ्ट दे सेजू के लिए, ये देखो सेजू के लिए स्पेशल। सेजू दिखाओ कितना बड़ा ट्रॉफी है, मजा आया आपको? फाइनली पवन का नंबर भी आ गया, तो पवन पैसे वैसे रखा है देने के लिए? ओ क्या बात है पवन, दुनिया हिला दी तुम तो फिलहाल देखो पवन का नंबर अभी एक बार फिर से आ गया है, पवन का ही हो रहा है बार बार। तो अभी तो बहुत सारे लोग बाकी गाइस, लेकिन ना पसीना पसीना हो गया क्योंकि ना फ्रेमिंग के चक्कर में पंखा बंद करना पड़ रहा है। हमने पंखा बंद कर रखा है हमने आज पहली बार। जिया जी आपको यहाँ पे भी राखी बंध रही है देख लो, वो भी आपको बांधने के लिए दिल्ली से आई है बांधने वाली है। मिठाई खिलाओ मिठाई, इतनी सारी मिठाई है आज तो जिया जी, मिठाई मिठाई हो जाएंगे पूरे एकदम। गाइस छत पे आ गए फिलहाल तो नीचे से, बिकॉज क्या नीचे अच्छी अच्छी फोटो नहीं आ रही थी, ऊपर अच्छी अच्छी वाली फोटो आ रही है। अभी गिनता हूँ मैं कितने मेंबर्स है ना, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह में बारह नीचे तेरह चौदह पंद्रह लोग अभी बन यहाँ पे सब फोटोज के लिए मर रहे गाइस। तो फिलहाल तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा फोटो ले लेते हैं। और ये तिलक लगता खराब हो गया, ये दीदी ने तिलक ऐसा लगाया, तेल लगा दिया इसमें। 10:01 हो गया था फिलहाल तो एडिटिंग स्टार्ट करके, मतलब थोड़ा सा काम बाकी है तो लैपटॉप थोड़ा सा हैंग होने लग गया तो उसको थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ। बर्थडे आपका, बर्थडे 10 बजे नहीं बेटा, 10 तारीख को आपका बर्थडे है। फिलहाल देखो सेजू ने मस्त वाली एक ड्रॉइंग बनाई है, अभी इसको ना बेटा उधर जाके बनाओ अच्छे से, थोड़ा मामा एडिटिंग करेंगे ना। पहले तो खैर बिस्तर की एस्थेसी होती थी, अब सवा एस्थेसी होती है। क्या हालत है बिस्तर की बेटा? काम करने के बाद पूरा मोड़ देना है ना, समेट देना, क्योंकि पहले बिस्तर बहुत बदबू मारता और बदबू मारेगा। 10:23 हो गया, वीडियो एडिट हो गया, रेंडर चल रहा अभी। फिलहाल जीजा जी आ गए, इन्होंने वस्त्र त्याग दिए। एक्चुअली हमारे रूम का रिवाज है, जो भी यहाँ पे आता है उसको वस्त्र त्यागने पड़ते हैं। रिवाज तो क्या, खा के गर्मी लगती है तो वस्त्र त्यागने पड़ते हैं। तो फिलहाल तो नींद बहुत तेज वाली आ रही है आंखों में, देखो पलके ना चिपक रही है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे कल। होप आज आप लोगों का सबका अच्छा रक्षाबंधन गया होगा, तो कमेंट कर देना जिसका जैसा गया होगा। अब के लिए बाबा गुड, टेक केयर।